तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि पर्सनली मैं सैमसंग के डिवाइसेस क्यों प्रेफर करता हूं एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड, जैसे कि रियलमी हो गया, शाओमी हो गया एंड पोको वगैरह हो गए। काफी सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे जो सेम प्राइस में काफी ज्यादा बेटर फोन्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी सैमसंग के फोन्स क्यों प्रेफर करता हूं। मेक श्योर कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो किसी भी फोन का जो की फीचर होता है वो होता है उस फोन की सिक्योरिटी। iOS होता है, मतलब एप्पल डिवाइसेस में बेस्ट सिक्योरिटी को मिल जाती है, लेकिन एंड्रॉइड में बात करें तो कौन से फोन आपको बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मेरे पास अभी दो स्मार्टफोन है, एक है सैमसंग का एंड एक है बेसिकली माइक्रोमैक्स का। जो सैमसंग का मॉडल है मेरे पास ये है सैमसंग गैलेक्सी M21। जो दूसरा फोन है मेरे पास ये है माइक्रोमैक्स का E-Note 1, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो इन दोनों फोन्स में आपको किस में बेटर सिक्योरिटी मिल जाती है उसकी बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोनों फोन को मैंने लॉक कर दिया एंड अब इसको अनलॉक कर देते हैं, पूरी तरीके से नहीं, जस्ट लॉक स्क्रीन पर ले आऊँगा। एंड अब इस फोन में नोटिफिकेशन पैनल मैंने ओपन कर लिया सैमसंग गैलेक्सी M21 में, एंड यहीं पे मैंने माइक्रोमैक्स में भी नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर लिया। तो आप लोगों को पता होगा जो मोबाइल का डेटा होता है, लोकेशन होता है, वाईफाई होता है, एयरप्लेन मोड होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है अगर आपका फोन लॉक है। तो मान लीजिए आपके फोन को कोई उठा के एयरप्लेन मोड ऑन कर दे तो आप लोग अपने फोन को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि ना आपका सिम वर्क करेगा एयरप्लेन मोड में, ना आपका मोबाइल डेटा वगैरह वर्क करेगा, तो ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आपका फोन चोरी हो गया। तो अभी देख सकते हैं अगर मैं सैमसंग में मोबाइल डेटा ऑफ करने की ट्राई करता हूं तो मेरे फोन का पैटर्न मांगता है या फिर पासवर्ड कुछ भी हो। एंड यहीं पे अगर मैं अपने फोन का वाईफाई ऑफ करने की कोशिश करूं फिर भी फोन का पासवर्ड मांगता है, देख सकते हैं आप लोग। एंड आप लोग देख सकते हैं एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ करूंगा तो भी पासवर्ड मांगेगा। तो मतलब आप लोग जो मेन फीचर होते हैं जैसे कि एयरप्लेन मोड, मोबाइल डेटा, वाईफाई वगैरह, वो सैमसंग में ऑफ नहीं कर सकते लॉक स्क्रीन पे। ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी फीचर कह सकते हैं, ये प्रोवाइड करता है सैमसंग। लोकेशन देख सकते हैं, इसको भी ऑफ नहीं कर सकते। एक बार आपको हॉटस्पॉट भी दिखा देता हूँ, तो हॉटस्पॉट भी आप लोग ऑन नहीं कर सकते या फिर ऑफ नहीं कर पाएंगे अगर ऑन होगा तो। तो बेसिकली सैमसंग फोन्स का एक सिक्योरिटी फीचर है, बाय चांस आपका फ़ोन अगर गुम हो जाता है तो जो चोर है वो आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा, लोकेशन वगैरह ऑफ नहीं कर पाएगा पैटर्न लगा हुआ है तो। एंड यहीं पे माइक्रोमैक्स से देख सकते हैं करंटली फ़ोन लॉक है, पासवर्ड मांग रहा है। यहीं पे अगर मैं इसका वाईफाई ऑन करूँ, ऑफ करूँ, तो ऑफ भी हो जा रहा है, ऑन भी हो जा रहा है। सिम नहीं इसके अंदर तो मोबाइल डेटा अभी नहीं है। एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं आप लोग, हॉटस्पॉट ऑन ऑफ कर सकते हैं, लोकेशन ऑन ऑफ, लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग ऑन, बाकी सब कुछ इसमें ऑन कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पे रह के। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एयरप्लेन मोड, हॉटस्पॉट ऑन ऑफ, वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं एंड ब्लूटूथ वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं ये अदर ब्रांड्स होते हैं जैसे कि माइक्रोमैक्स वगैरह उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर नहीं प्रोवाइड करते अपने मिड रेंज वाले फ़ोन में, जबकि सैमसंग अपने हर फोन्स में इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, चाहे मिड रेंज हो चाहे फ्लैक्सी हो। फ्लैक्सी फोन्स होते हैं उसमें तो आपको नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी फीचर देखने को मिल जाती है, यानी मेरा मतलब है कि हार्डवेयर लेवल पर नॉक सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे एक और चीज़ रह गया सिक्योरिटी में, अगर मान लीजिए अपने सैमसंग के फ़ोन को ऑफ करने की ट्राई करता हूँ, पैटर्न लगा हुआ है अभी मैंने ओपन नहीं करा है, ऑफ पे ट्राई करूँगा, पावर ऑफ, पैटर्न एंटर करूंगा तभी ऑफ होएगा। तो यानी आपका फ़ोन अगर चोरी हो जाए तो जो चोर है इसको ऑफ भी नहीं कर पाएगा जब तक उसको फ़ोन का पैटर्न नहीं पता चलता है। ऑफ होने का बस एक ही चांस रह गया है कि आपके अगर फ़ोन की बैटरी अगर बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है तभी ऑफ होएगा, वरना फ़ोन को तोड़ने अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं मिलता कि आप लोग फ़ोन को बंद कर पाए। यहीं पर अगर मैं माइक्रोमैक्स में दिखाऊँ तो इसमें भी पैटर्न लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एंड इसको ट्राई करते हैं ऑफ करने की, सॉरी रिस्टार्ट कर दिया मैंने, फिर भी देख सकते हैं रीस्टार्ट हो चुका है बिना पैटर्न मांगे। एक बार ट्राई करते हैं सैमसंग में भी रीस्टार्ट करने की। तो सैमसंग में आप लोग बिना पासवर्ड एंटर करें ना रीस्टार्ट कर सकते हैं ना पावर ऑफ कर सकते हैं, जो कि एक फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर बन जाते हैं सिक्योरिटी को लेके। अब मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ पोको फ़ोन से, पोको X3 से। तो आप लोग को पोको X3 की प्राइस तो पता ही होगी, उसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G देखने को मिल जाता है काफ़ी कम प्राइस में, जो कि सैमसंग M21 से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फ़ोन है। तो देखते हैं क्या उसमें सेम सिक्योरिटी फीचर देखने को मिल जाते हैं जो आपको सैमसंग के डिवाइस में देखने को मिलते हैं, या फिर क्या कुछ रहता है उसको। तो फटाफट आप कंपेयर करते हैं पोको X3 से। ये तो क्लियर मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, दोनों में अगर कंपेयर करें पावर के मामले में तो पोको X3 यहाँ पे क्लियर विनर निकल के आता है, क्योंकि इसमें मिल जाता है 732G, तो ये आपको काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन तो मिल जाता है। लेकिन क्या इसमें आपको सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है सैमसंग की तरह या फिर नहीं मिलती, तो फटाफट यहाँ पे चेक करते हैं। तो दोनों में एक बार और नोटिफिकेशन पैनल मैंने ओपन कर लिया, पोको X3 में भी एंड सैमसंग में भी सेम चीज ट्राई करेंगे, मोबाइल डेटा ऑन ऑफ। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग में मोबाइल डेटा ऑन है, ऑफ नहीं कर सकते, इसमें आप इजिली ऑन ऑफ कर सकते हैं।
वाईफाई कंपेयर करें तो वाईफाई सैमसंग में ऑन ऑफ नहीं कर सकती, इसमें इजिली ऑन ऑफ कर सकते हैं एज यू कैन सी। एंड और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोग ब्लूटूथ इजिली ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें ब्लूटूथ भी ऑन ऑफ नहीं कर सकते। एंड लोकेशन की बात करें, इजिली ऑन ऑफ कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते सैमसंग में ऑन ऑफ। तो सैमसंग के कंपेयर में अदर ब्रांड्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा सकता है। अगर आपका बाई चांस फ़ोन चोरी हो जाता है तो कोई भी आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑफ कर देगा इमीडिएटली ताकि आप उसको ट्रेस ना कर पाए। एयरप्लेन मोड ऑन कर देगा ताकि उस पर कॉल वगैरह ना जा पाए। एंड लोकेशन भी ऑफ कर देगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सैमसंग में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जबकि अदर ब्रांड केवल फ़ोन की पावर पर ध्यान देते हैं, सिक्योरिटी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो यही रीज़न है कि मैं सैमसंग क्यों प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। पोको में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी पावरफुल फ़ोन है, लेकिन उस फोन का फायदा क्या है जिसमें सिक्योरिटी ही जीरो लेवल की है। आप लोग इसको भी इजिली ऑफ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही, कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगेगा। एज यू कैन सी पावर ऑफ कर देता हूँ इस बार। एंड सैमसंग में जस्ट मैंने आपको माइक्रोमैक्स से कंपेयर करके भी दिखाया था कि इसमें आप लोग पावर ऑफ नहीं कर सकते जब तक आप लॉक स्क्रीन पे पैटर्न नहीं अप्लाई कर देते। तो इसलिए सैमसंग के फ़ोन मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग सेंसिटिव काम करते हैं जिसमें सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। उन सभी लोगों के लिए जो एंड्रॉयड में एप्पल कह सकते हैं वो आपको सैमसंग प्रोवाइड कर सकता है। मैंने वीवो एंड वन प्लस वगैरह के फ़ोन यूज़ नहीं करे हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता कि उनमें आपको क्या कुछ सिक्योरिटी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मैं आप लोग को बताऊंगा कि मिड रेंज में अगर आप सैमसंग, पोको, रियलमी, शाओमी वगैरह को कंपेयर करेंगे, क्लियर यहाँ पर विनर है सिक्योरिटी के मामले में सैमसंग निकल के आता है। पावर के मामले में भले ही रियलमी, पोको वगैरह आगे निकल जाए, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हैं जो अगर सिक्योरिटी की बात आती है जहाँ पे, वहाँ पे सैमसंग कहीं ज़्यादा आगे है एज कम्पेयर टू दिस ब्रांड। होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, एंड चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। Yo, I ain't here for the money, I ain't